पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ सेना की कार्रवाई में 200 से अधिक चरमपंथी मारे गए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से कहा है कि वो पाकिस्तान से भाग रहे आतंकवादियों के अफगानिस्तान में प्रवेश पर रोक लगाएं। सेना ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान में कम से कम 25 आतंकवादी मारे गए। मंगलवार की कार्रवाई के बाद बीते 3 दिनों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 212 हो गई है। लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह आतंकवादियों के 6 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इनमें एक प्रशिक्षण शिविर और IED बनाने की फैक्ट्री शामिल है। ईरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच परमाणु मुद्दे पर मंगलवार को वियना में दोबारा बातचीत शुरू हुई। विश्व शक्तियों के साथ ईरान की ये बातचीत इस उम्मीद के साथ हो रही है कि तेहरान के साथ दशकों से चले आ रहे परमाणु विवाद का कोई हल निकल आएगा और जुलाई तक अंतिम समझौता हो जाएगा। वार्ता में शामिल विश्व के 6 प्रमुख देश ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में भारी कटौती कर उसे न्यूनतम स्तर पर लाना चाहते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने मंगलवार को कहा कि उनका देश ईरान में फिर से अपना दूतावास खोलेगा और इसकी शुरुआत एक छोटे मिशन से की जाएगी। विलियम हेग ने ब्रिटिश संसद में एक लिखित वक्तव्य में ये जानकारी दी। ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास 2011 में भीड़ द्वारा हमले के बाद बंद कर दिया था। मिस्र में प्रधानमंत्री इब्राहिम महलाब के नेतृत्व में नई सरकार ने मंगलवार को शपथ ग्रहण किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार महलाब इससे पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में 5 महीने काम कर चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में सम्पन्न हुआ। नई सरकार में 34 मंत्री हैं, जिनमें मात्र 4 महिलाएं शामिल हैं।